हाय फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि इस तरीके से आप अपने मोबाइल में कस्टमर का नंबर सेव किए बिना या फिर कस्टमर को अपना नंबर सेव कराए बिना व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्हाट्सएप पे जाना है, इसमें क्रिएट करना है न्यू ग्रुप। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पहला नंबर, सिर्फ पहला नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपके मोबाइल में सेव हो। तो मैं कोई एक रैंडम नंबर ले लेती हूँ। ओके, इसको मैं ग्रुप में ऐड करा रही हूँ। कुछ भी नाम डाल दीजिए आपके ग्रुप का, बेसिक। ओके फाइन, ऐड ग्रुप। ओके, आपका ये ग्रुप क्रिएट हो गया है जिसमें पहला नंबर ऐसा है जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव है। अब आप कोई भी नंबर मतलब बनाएंगे ना, तो उसको ज़रूरी नहीं कि आपके मोबाइल में उसका नंबर सेव हो या सामने वाले बंदा भी आपका नंबर सेव करे। सो आपको जाना है ग्रुप इन्फो में। बेसिकली ग्रुप इन्फो में आप जाएंगे तो आपको आपका जो ग्रुप का लिंक है वो मिल जाएगा, ये रहा इनवाइट वाया लिंक। आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। आप चाहो तो डायरेक्टली लिंक यहाँ से शेयर कर सकते हो। मैं करूँगी कॉपी लिंक। फाइन, बैक नाउ। अभी तो यहाँ वो जिसको भी मैं सेंड करूँगी उसका नंबर अभी नहीं शो करेगा। मैं पोस्ट सेंड कर रही हूँ कोई एक कस्टमर को। फाइन, मेरा काम यहाँ पूरा होता है। मैंने उनको अपने ग्रुप की लिंक सेंड कर दी है। अब यहाँ से हमें कस्टमर को ही कहना है कि वो इस लिंक को क्लिक करें एंड ज्वाइन इन ग्रुप पे क्लिक करें, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ग्रुप में आ जाएंगे और हमारा जो ग्रुप है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि यहाँ शो होगा। लेट्स सी, आपने देखा हमारे कस्टमर ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। हमें कैसे पता चले कि उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, आपका ग्रुप ओपन करना है। आप ऐसे तो देख सकते हो मैसेज में कि आपने जो इनवाइट किया था लिंक उनको, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे भी उनका नंबर शो हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कस्टमर ने आपने जो लिंक फॉरवर्ड की है वो ज्वाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये एक वे था, ये एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपना नंबर सामने वाले कस्टमर को सेव कराए बिना या फिर उनका नंबर सेव किए बिना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। इसमें सिर्फ पहला कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने बताया, सिर्फ वही एक सेव नंबर होना चाहिए आपके मोबाइल में ग्रुप क्रिएट करने के लिए। ये एक सिंपल प्रोसेस है, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।